खेत में खोद रहे नींव तभी मिला कुछ ऐसा जिससे मालामाल हुआ किसान, लेकिन फिर जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। खबर में आपको ईमानदारी की ऐसी मिसाल देखने और पढ़ने को मिलेगी जिसके बाद आप यही सोचेंगे कि दुनिया में ईमानदारी और ईमानदार लोग आज भी कायम हैं। एक इंसान अपनी सारी उम्र में मेहनत करता है और हर वक्त यही कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर इतना तो कमा ही सके कि उसका परिवार खुश रहे और उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न रहे। ऐसे ही किसी मेहनतकश इंसान की जिंदगी में किस्मत कब करवट बदल ले ये कह नहीं सकते। कभी कभी मेहनत के साथ साथ इंसान को किस्मत का साथ मिलना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे एक व्यक्ति की किस्मत ने अचानक से करवट बदली और वो एक पल में हो गया मालामाल। लेकिन आज हम जो खबर आपको बता रहे हैं वो बस इतनी भर नहीं है। इस खबर में आपको ईमानदारी की ऐसी मिसाल देखने और पढ़ने को मिलेगी जिसके बाद आप यही सोचेंगे कि दुनिया में ईमानदारी और ईमानदार लोग आज भी कायम हैं। फोटो टॉय। दरअसल बंसमुद्र नाम के एक गांव में एक किसान अपने खेत की नींव खोद रहा था कि तभी उसे नींव के गड्ढे में कुछ नजर आया जिसे देखने के बाद उसकी आंखें खुली रह गई। दरअसल उसे अपने खेत में 435 सोने के सिक्के दबे मिले। इन सोने के सिक्कों का कुल वजन करीब 160 ग्राम था जिसकी कीमत लाखों में थी, लेकिन ये लाखों रुपए इस किसान की ईमानदारी को डिगा नहीं सके। यह मामला बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बंसमुद्र गांव का है जहां इस समय सिर्फ किसान की ईमानदारी की चर्चा है। बुधवार को सुबह करीब 11 बजे लक्ष्मण नामक किसान अपने घर की नींव डालने के लिए जमीन की खुदाई कर रहे थे। मजदूरों को छोटे छोटे पीले चमचमाते हुए सिक्के बिखरे हुए दिखाई दिए। उन्हें लगा कि शायद ये मिट्टी होंगे। इस तरह के बहुत सिक्के मिलने लगे, उनमें तब मिट्टी लगी हुई थी। हमने सिक्के साफ किए और हमें अंदाजा हुआ कि शायद ये सिक्के कुछ खास हैं। हमें कुछ लोगों ने बताया कि शायद ये सिक्के सोने के हैं। सुनार के पास न ले जाकर पहुंचे पुलिस स्टेशन लक्ष्मा को गांव वालों ने सलाह दी कि वो इन्हें सुनार के पास ले जाकर बेच दे, लेकिन उन्होंने ऐसा न कर हालगढ़ पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस गांव आई और सिक्कों को अपने कब्जे में ले लिया। हर सिक्के का डिजाइन अलग है और हर सिक्का दूसरे से अलग दिखता है। इन सिक्कों को पुलिस से तहसीलदार ने ले लिया और अब इन्हें जांच के लिए पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाएगा। प्रशासन ने इस ईमानदारी के लिए लक्ष्मण माँ की सराहना की। इस मामले के जिसने भी सुना वो हैरान रहकर सिर्फ लक्ष्मण माँ की तारीफ ही कर रहा है और उनकी ईमानदारी की मिसाल दे रहा है। वैसे आज के इस जमाने में लोगों में ऐसी ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है, लेकिन लक्ष्मण माँ ने ऐसा कर एक मिसाल कायम की है।